डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19, षटभुज शुंडाकार है का सामनी और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर बाईं ओर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ये है, ये खड़ा है अपने आधार पर और बाईं ओर को 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये जो षटभुज बनेगी इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई शुंडाकार की यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। आइए इसको करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे पहले हम एक एक्स वाई आधार लेंगे, वाई, और वाई के पास से हम डी की सहायता से नीचे की तरफ को 30 डिग्री का कोण बनाएंगे बाईं तरफ को। यहाँ 30 हो रहा है, इसके सामने यहाँ निशान लगा दें, ये हो गया। अब इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे हम, क्योंकि वो जो हमारे पास आकृति है षटभुज की उसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर की बताई हुई है। 2 सेंटीमीटर बहुत छोटा है इसमें, हम उतना ही करेंगे जितना हमें बताया गया है, ठीक है। अब हम षटभुज बनाने जा रहे हैं, ये है ए और बी। षटभुज बनाएंगे हम नीचे की तरफ को, ये बी के बराबर प्रकार खोलेंगे, जैसे समबाहु त्रिभुज बनाते हैं सेम वैसे ही ये ऊपर काट दिया और जहाँ ये कटा वहाँ प्रकार रखेंगे और बी तक खोला और बिंदुदार वृत्त पूरा करेंगे। ये हो गया वृत्त पूरा। अब ए बी के बराबर ही प्रकार खोली रखेंगे और इसको चापे लगाते जाएंगे। आप षटभुज आप सबको बनाना आता है, 2 ये 3 और ये 4, ये सबसे लास्ट वाला हो गया। यह ए बी सी डी, ये ई हुआ, एफ और बीच में है आपका ओ। पहले साइड की सभी रेखाओं को मिला लेते हैं, ये हो गया। ये 4 ये 5, क्योंकि ये शुंडाकार है तो इसकी सारी भुजाएं केंद्र बिंदु पर आकर मिल जाएंगी। केंद्र बिंदु हमें पहले ही पता है, ये 1
दो तीन चार पांच ये छः तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने षटभुज शुंडाकार का ऊपरी दृश्य बना लिया है। ठीक है, अब हम ये जो हमारा सबसे बीच वाला पॉइंट है यानी ओ से यहाँ देखें आप एक ही सीध में तीन बिंदु हैं डी ओ और ए। तो सबसे पहले ओ से लेके जाते हैं प्रोजेक्शन और ओ से गया हुआ प्रोजेक्शन शुंडाकार में हमेशा ही ऊपर तक जाएगा, इसको आप ध्यान रखें हमेशा ये गया। ठीक है, तो ओ से जब यहाँ गया तो हो गया ओ वन। ठीक है, तो ए से गया वो भी यही है, ये ओ वन करते हैं इसको, और ए वन भी यही है, और क्या है ये डी वन, डी वन भी यही है। ठीक है, एक ही सीध में यहाँ पर बी और सी भी हैं, तो ये हम सिर्फ एक्स वाई तक ही लेके जाएंगे। ये हो गया बी वन और सी वन, फिर है ई और एफ, ये भी सीध में हैं, इनको भी एक्स वाई तक ले जाएं, और ई वन एफ वन। ठीक है, अब बारी आती है कि कौन सी रेखाएं डार्क होंगी कौन सी डॉटेड होंगी। तो सबसे बाहर वाले पॉइंट कौन से हैं, यहाँ से हम देखें तो बी डी सी और ई ये भी इन्हीं की सीध में हैं, परंतु सी और ई इसको कवर कर रहे हैं एफ और बी को। तो सबसे पहले डी वन, डी वन ये जो ये है बीच वाली ये डार्क होगी, परंतु हमें अभी शुंडाकार की हाइट पता करनी है। हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो ये देखें ये हम इसमें 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा देते हैं, ये है और ये है ओ टू। तो बीच वाली को हम पहले डार्क कर लेते हैं, ये हुआ, और साइड वाली भी डार्क ही होंगी। ये हो गया, तो ये आपका प्रश्न नंबर 19 बनकर तैयार है। थैंक यू।